ओम साई राम, बाबा को शशत प्रणाम, मेरे अंदर साई और आपके अंदर साई को भी प्रणाम। मैं गीता जी के इसमें जो लिंक में एक साई भक्त का अनुभव सुन रही थी कि उसको कैसे बाबा ने सिक्के दिए, तो मुझे भी उनका अनुभव सुन के मुझे भी याद आ गया ये अपना अनुभव कि बाबा ने कैसे मुझे ये रहमत बरसाई, मुझे भी अपने खजाने में से 1-2 रुपए का सिक्का दिया। मैं आपको बताती हूँ कि ये सिक्का मुझे कैसे मिला। शिरडी में जब हम जाते हैं तो बाबा के मंगलवार और शुक्रवार को जो बाबा का खजाना है ना, तो उस खजाने को गिना जाता है, जैसे नोटों को अलग किया जाता है, सिक्कों को अलग, गड्डियाँ बनाई जाती हैं, जैसे 2000 के नोट अलग, 500 के अलग। तो अगर आप ये सेवा का मौका उठाना चाहते हो तो मुख दर्शन के सामने आपको सुबह सुबह लाइन में खड़ा होना पड़ता है। 6-7 बजे आप खड़े हो जाओ तो तब आपको कुछ जो लोग हैं वो अंदर जा पाते हैं, जितने लोग उनको चाहिए होते हैं। तो एक बार मंगलवार को हम जब सुबह गए तो हमें ये सेवा का मौका मिला, हम बहुत खुश हुए। जब हम अंदर गए तो लेडीज़ गार्ड ने हमारी पूरी चेकिंग की, तो आपको पर्स भी अलाउड नहीं होता ले जाना, और जो जेंट्स होते हैं उनकी जेंट्स गार्ड चेकिंग करते हैं ताकि कोई बाबा का खजाना ना ले जाए। तो चेकिंग करके जब हम दान गिनने बैठे, मेरा सिक्कों में नंबर आया तो मुझे सिक्के अलग करने थे, 2 के सिक्के अलग, 5 के सिक्के अलग। तो ये हमने काम किया पूरा 1 घंटा। और इस सेवा का आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको बाबा के डायरेक्ट बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं। देखो इस सेवा से हमें कितने दो चीज़ों का लाभ मिलता है, एक तो बाबा के दर्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं और एक बाबा के हमने खजाने को गिना, तो हम अपने आप को कितना खुश नसीब मानते हैं। जब उस दिन मौका मिला तो सच में हमें बहुत अच्छा लगा। जब 2 के ये जब हमने नोट गिने तो हम जाने लगे तो गार्ड ने, लेडीज गार्ड ने मेरी बहुत अच्छी तरह चेकिंग की, सबकी चेकिंग की। हम फिर बाबा के दर्शन करने गए, बाबा के बहुत दर्शन जल्दी हो गए। हम दर्शन करके बाबा के फिर हम नीम के पेड़ के नीचे जाने लगे। हम जा रहे थे तो मेरे पीछे जो मेरे एक फ्रेंड साईं भक्त किरण जी थे, तो वो मेरे पीछे चल रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि मीना देखो तुम्हारी शर्ट के पीछे 1-2 का सिक्का है। मैंने अपनी शर्ट को पीछे से उठा के देखा तो नीचे 1-2 का सिक्का चिपका हुआ था। मैंने कहा ये तो बाबा के खजाने का सिक्का रह गया, मैं तो अभी जाके वापस दे के आती हूँ, पता नहीं ये कैसे आ गया। तो वो कहने लगी कि तुम पागल हो, वापस दे के आती हो, ये तो बाबा की रहमत है तुम्हारे ऊपर, बाबा ने अपने खजाने में से तुम्हें दान दिया है अपने खजाने, तुम इस खजाने को अपने उसमें खजाने में रखो, बरकत होगी। और तुम देखो गार्ड ने तुम्हारी इतनी अच्छी तरह चेकिंग की, तुम लाइन में भी गिरी और सिक्का नहीं गिरा, बाबा तुम्हें देना चाह रहे थे ना, बाबा चाहते थे कि तुम इस सिक्के को अपने घर ले जाओ। सच में मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। मैंने बाबा को बहुत धन्यवाद किया कि बाबा ने मुझे अपने एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। देखो हम जब लोग शिरडी जाते हैं तो जब हमारे साथ कोई चमत्कार होता है, जब बाबा को कोई